अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं हूं शाबिस। ओके, आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं, दैट इज पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन बैंगलोर, सिलिकॉन सिटी ऑफ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी हब ऑफ इंडिया। और एज अ बैंगलोरियंस हम लोग इसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। लेट्स सी कि इसमें क्या है, और इसके बाद बैंगलोर या फिर बेंगलुरु, हम लोग इसे बेंगलुरु कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड फॉलोअर्स इंस्टाग्राम। इसकी डिटेल्स हमने दिए। दिस इज अ पब्लिक रिएक्शन बाई सना अमजद चैनल। आई थिंक शी डज अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट इंडिया, पब्लिक रिएक्शन लेती हैं वो। सो लेट्स स्टार्ट, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। साउंड बढ़ा दे, टर्न इट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं सलाम। जो आज हम एक बहुत ही मजे की वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम पाकिस्तान के आवाम को दिखाएंगे एक वीडियो, उन्हें कहेंगे वो गेस करें और बताएं कि किस मुल्क के किस की आवाज है। हम उन्हें नहीं बताएंगे किस मुल्क और किस शहर का वीडियो है, उन्हें वीडियो देखकर गेस करना होगा। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये इंडिया के शहर बैंगलोर की वीडियो है, सिलिकॉन सिटी। क्या नाम है आप उस वीडियो को देख कर गेस करना है कि वीडियो किस मुल्क की और किस शहर की वीडियो है। मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस इतना बता दूं कि ये पाकिस्तान की वीडियो नहीं है। ये पाकिस्तान की वीडियो नहीं, थाईलैंड लग रहा है। फर्जी कैफे थाईलैंड। अभी मैं बताता हूँ, शेरेटन के नीचे लैंग्वेज और थी, वो थाईलैंड की लग रही थी, सिटी होल्डिंग वर्जन्स। पीछे से आके जा रहा है ना, ना हांगकांग ना थाईलैंड। ये तो ये लंदन ही लग रहा है। लंदन भी लग रहा है, लंदन लग रहा है ये, क्योंकि हम लंदन में रहते हैं क्या। ओ एक सेकंड, मीनाक्षी मॉल के पास, न्यूयॉर्क, विजय माल्या विला। ये कोई सोसाइटी वाला टाउन, जैसे कोई जैसे बेगा टाउन का सिस्टम ऐसा कोई है जो पाकिस्तान के अंदर बन रही है, मॉडल है, अभी रेडी हो रहा है, जैसे एम्पोरियम मॉल है या कुछ ऐसा है। क्या क्या छोड़ रहा भाई बंदा, ये लंबी लंबी क्लियरली उन्होंने बता दिया है पहले कि पाकिस्तान नहीं है। ओवरऑल मैप दिखाया गया वर्ल्ड का, जैसे चाइना का है ना ये। हाँ भाई, हम चाइनीज हैं, ये एक मुल्क का एक शहर। हम रोजे में नूडल्स खाते हैं। सोचिए, बताएं ऐसी बिल्डिंग, ये शहर कौन सा है? नहीं ऐसी बिल्डिंग, अच्छा नीचे यार, तो लैंग्वेज की जापान की, यार मेरा ख्याल है इंडिया हो ही नहीं सकता। अच्छा, अंबेडकर जापान में पैदा हुए थे। विधानसभा इंडिया का डेवलप नहीं, इंडिया का डेवलप नहीं है। अगर मैं कहूँ ये इंडिया है तो मलयालम स्टेट क्या, कौन सा स्टेट है? मलयालम स्टेट क्या बोला? इंडिया का कोई मलयालम स्टेट, केरला। अगर मैं कहूँ ये इंडिया है तो, ओह, I don't think so, ये इंडिया बिल्कुल आसपास कहीं लग रहा है, ये क्यों नहीं लग रहा? इंडिया क्यों नहीं हो सकता? इंडिया में ये चीज ज्यादा देखी नहीं गई, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट हर चीज यूज करता हूँ, लेकिन मुझे इंडिया में ऐसा कुछ। हर चीज क्या यूज करते हो भाई? मिक्स लग रहा है, जैसे क्या क्या के अंदर ऐड है, दुबई की सारी चीजें के अंदर ऐड है।
मुझे ना अपने बगल में यहीं पे। मैंने कहा है पाकिस्तान नहीं है ब्रो। ब्रो बोल दिया, चला जा छोड़ के वीडियो। कैसा शहर? शहर मजा आ रहा है वीडियो देख? बिल्कुल आ रहा है। ऐसा पाकिस्तान हो जाए तो क्या बात है यार। ये इनकी लैंग्वेज है क्या? मलयालम ऐसा भी नाम है इनका? ऐसा कोई भी नाम नहीं यार, स्टेट का नाम नहीं है उनको। लोग कहते अब आप मैं बता नहीं बता। 20 है नाम शुरू। 20 बैंकॉक बोल दे भाई। यस, ये बेंगलोरो की सिलिकॉन सिटी है। क्या लग रहा है कहाँ की वीडियो? वीडियो इंडिया की है। किसी ने तो गेस किया। थैंक यू मैडम। पहला गेस है और पहला ही गेस निशाने पे लगा। अब मुल्क तो बता दिए इंडिया, शहर कौन? चेन्नई। नो, इंडिया। इंडिया इंडिया का शहर? अब शहर का नहीं मुझे पता, लेकिन कंफर्म इंडिया है। क्यों लग रहा है कि इंडिया? ये यहाँ पर ना कोई प्लाजा आया था, पता नहीं क्या था, उसमें हिंदी में कुछ लिखा था। आई एम श्योर इट्स इंडिया। ओह नाइस नाइस। बैंगलोर। शी हैज गॉट स्किल्स। ये बैंगलोर। ओह आई गॉट इट। ब्यूटी विद ब्रेन्स। हां ना जीत गई आपको भी तुक्का मैंने लगा बताया। बी का पढ़ना अदरवाइज नहीं पता चलता। इतनी और सिटीज हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बैंगलोर शहर अभी देखा, कैसा लगा बैंगलोर शहर? उसकी डेवलपमेंट देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे अगर मतलब हम थोड़ा उस पर गौर ना करें तो डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट जाता है कि कोई अमेरिका है या दुबई वगैरह इस तरह का, जैसे जिस तरह का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैसा लगा? मैं इंडिया की कोई वीडियो नहीं देखी, मेरे पास इंडिया की कोई वीडियो नहीं है। अभी आपने बोला आपके लैपटॉप में हर मुल्क का वीडियो है, इंडिया को आप भूल गए? मतलब नहीं है ना, बस इंडिया में। क्यों रखते होंगे हर मुल्क की वीडियो अपने लैपटॉप पे, जरा बताओ। हमारा दोस्त मुल्क मिलता जुलता ही है। हमारा दोस्त मतलब क्या, जिसके साथ हमें थोड़ी सी कभी। अच्छा मुझे ये बताएं आपने बैंगलोर सिलिकॉन सिटी देखी है इस वक्त, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको बैंगलोर सिलिकॉन सिटी? काफी डेवलप्ड है, मुझे उम्मीद नहीं थी इंडिया होगा। मैंने आपको पहले बोला ये इंडिया नहीं लगता इतना डेवलप। हमारा ख्याल ही नहीं किया कि इंडिया हो सकता है इतना प्यारा। पहले मुझे इनको बिल्डिंग से देख के लगा शायद वो लाहौर ना हो, तो मतलब काफ़ी सारा डेवलप हुआ है, तो अच्छी तरक्की कर रहा है इंडिया। नहीं गैस हो रहा आप बताइए बाकी। नहीं गैस हो रहा आप एटलीस्ट इंडिया को आराम से गेस कर सकते हैं। इंडिया का कौन सा शहर? नहीं इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू टेल। नहीं जल्दी से बताइए कौन सा शहर है इंडिया? बैंगलोर। ओह वाओ बैंगलोर। कैसा लगा देखने के बाद? नहीं बहुत बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, बहुत मजा आया। माशाल्लाह आप ये वीडियो देखकर बहुत मजा आया। ये वाकई में बैंगलोर है? आप उसे अभी भी कोई मजाक कर रही हैं? सही बताइएगा बैंगलोर है। हाँ ये इंडिया का शहर बैंगलोर है, सिलिकॉन सिटी। कैसा लगा देखने के बाद? भाई जान से कसम खिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो दिल कर रहा है नेक्स्ट जून से है ना अपना वीकेंड प्लान ना है इधर ही बनाऊंगा अपना जाके। ये इंडिया का शहर बैंगलोर है, सिलिकॉन सिटी। कैसा लगा आपको बैंगलोर? अच्छा है। तो उसके अलावा भी मैं फॉरेन कंट्री में रहा हूँ ना, सऊदी वगैरह में भी, दुबई वगैरह की ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं। मैं ये सोच रहा था कि मिक्सचर कुछ वीडियो को कटिंग कर। दुबई फॉरेन है? जब लास्ट में वो फ्लैग नजर आया ना इंडिया का, तो मैंने कहा ये बिकॉज़ आई हैव नेवर कंसीडर्ड दुबई टू बी फॉरेन। लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि कौन सी स्टेट है। आपने सोचा था ये इंडिया निकले? नहीं मैंने सोचा। ये बंदा देखो भाई इसको क्या है, अलग दुनिया में है वो। इसको पर जी हां अभी आपने उसको लगता है एलियंस आने वाले हैं। बहुत प्यारी है, अच्छी है। डेवलपमेंट कैसी? यार डेवलपमेंट उनकी वैसी बहुत अच्छी है। अभी पाकिस्तान बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री में कंपैरिजन किया जाए तो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग अभी कोई सड़कें वड़के बनाने पर कोई लगे हुए हैं, पूरी पूरी कंट्री पूरी पूरी सिटी अपनी जो है वो डेवलप कर ली है माशाल्लाह। पर जाना चाहिए मैं तो वैसे भी इंडिया जाना चाहती हूँ सिद्धार्थ से बोल रहे। बाकी मैडम यहाँ पे जंग हो जाएगी, सिद्धार्थ का नाम पूरा लो, यहाँ पे जंग हो जाएगी बाद में। यहाँ बहुत सिद्धार्थ, मेरे दोस्त 5-6 पढ़े हैं, एक दर्जन पढ़े हैं सिद्धार्थ नाम के। जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी डेवलपमेंट आप पाकिस्तान में चाहती?
बिल्कुल चाहती हूँ इंशाल्लाह अगले सालों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में वेस्ट डेवलपमेंट लाज भी होगी इंशाल्लाह। बैंगलोर से मिलता जुलता पाकिस्तान को भी शहर नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस्लामाबाद के बारे में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इस्लामाबाद इस तरह का ही है, अगर से देखा जाए तो लगता है कि आइए पाकिस्तान का नियम ही पार्टी है, लेकिन अभी उस तरह से एडवांस चाहिए नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ। ये वाकई इंडिया है अभी पूछ रहा है यार, मुझे अभी भी शक हुआ है। सही बात, ये सिलिकॉन सिटी है। इंडिया में बैंगलोर स्टेडियम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इस वक्त बैंगलोर सिलिकॉन सिटी देखी, देखने के बाद दिल किया कि विजिट के लिए जाना चाहिए? देखिए मेरा मेरा काफी अरसे से दिल है कि इंडिया को विजिट करूं, क्योंकि मेरे वहां पे एक दो दोस्त भी हैं। देखिए पंजाब साइड है मेरा, मेरा पंजाब साइड पे जाने का है इंशाल्लाह, कभी मौका मिला तो जरूर जाएंगे। और अगर इंडिया वाले भाई देख रहे हैं तो मैं उनको भी कहूंगा कि आप आए यहां पे पाकिस्तान विजिट करें, हमारे पास भी काफी अच्छी चीजें हैं। आपको क्या लगता है, आपने वो हमने देख ली इस वीडियो में, कैसा लगा दिल किया जाने को, इस तरह की डेवलपमेंट आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? हां जरूर देखना चाहते हैं, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इंडिया मतलब इतना एनवायरनमेंट ऐसा था, और चाहते हैं कि हमारे हैं हमारे जगह पास भी हैं ऐसी जगह, कुछ सिटीज हैं लेकिन सिटीज हैं इतना हमको मतलब शो नहीं करवाया जाता। जो बड़े सिटीज हैं तीन चार हैं, इस्लामाबाद और फैसलाबाद वगैरह, तो अभी हमें चाहिए कि कोई अलहदा से जैसे इन्होंने बनाया ये अलहदा सिटी लग रहा है, मुंबई या वो जो पुराने दिल्ली वगैरह जैसा नहीं है, उन्होंने कोई नया क्रिएट किया। दीदी कितना अच्छा पी रहा है जूस, थोड़ा फॉरवर्ड करो प्लीज, थोड़ा बैकवर्ड जहाँ पे प्लीज। हाँ पहले पहले होने दो उसके बाद कर लो। आई वांट टू सी कैसे पिया उन्होंने जूस। आप पाकिस्तान में देखना चाहेंगे? बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा ऐसे, कोई चाहेगा भाई अपने अपने देश को आगे बढ़ते हुए, ताकि हमारी जो हमारा एक टूरिज्म स्पॉट है जो वो बहुत ज़्यादा जाए, इससे एक टूरिज्म हमारी कंट्री की तरफ या सिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप खुद बताएं देखने के बाद दिल किया जाने का और ऐसी डेवलपमेंट आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हर बंदा चाहता है कि इस तरह की डेवलपमेंट हो। जैसे फॉरन विजिटर आ रहे हैं गिलगत नादान कगान, बहुत अच्छी प्लेसेज हैं, नेचुरल प्लेसेज हैं, इसी तरह डेवलपिंग भी होनी चाहिए। आपकी आवाज़ मैडम, क्या नाम था इनका, सनाम, सनामजद, सनामजद, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत ही ना है वो, उसमें कुछ लाइक आई फील लाइक सुनते जाएँ उनको, मतलब ऐसा नहीं कि एक होता ना कमांडिंग वॉइस है एक, इट्स वेरी वेरी गुड वॉइस एंड शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी दिमाग वाली भाई। वो दिखा दो थोड़ा सा मुझे, वो आंटी जूस कैसे पी रही थी देखिए, क्या ख्वाहिश है भाई। छोड़ दिया सी इंडिया गेस करना मेरे हिसाब से थोड़ा आसान था, बैंगलोर गेस करना बहुत तकलीफ में था, बिकॉज इंडिया की कुछ चीज़ें जैसे कि टेंपल्स हो गए, जैसे कुछ स्टैचूज हो गए, ये सब चीज़ें शायद आपको इंडिया के अलावा इस तरीके की नहीं मिलेंगी किसी और कंट्री में। व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक कि वो कोई भी इस तरीके के टेंपल्स या स्टैचूज वगैरह इंडिया के अलावा कहीं पर हैं। नॉट रियली, ऐसे नहीं है, नहीं है। सो वहाँ पर एक गेस कर सकते थे, उसके अलावा जितने भी बिल्डिंग्स और जो भी नाइट व्यूज वगैरह थे बैंगलोर के, डेफिनेटली कोई भी गेस नहीं कर पाएगा। थाईलैंड और श्रीलंका में थोड़े, थाईलैंड और श्रीलंका में थोड़े बहुत ऐसे मंदिर वंदिर है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अलग तरह की डिजाइन अलग होगा उसका। एंड Definitely. नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली, मुझे भी अगर बोला जाए ड्रोन शॉट से कहाँ से देखो, उसमें से क्या था कि इस वीडियो में किसी का चेहरा हार्डली दिखाया गया था, इसमें गाड़ियाँ दिखा रहे थे जल्दी जल्दी फास्ट मूव लाइट की स्पीड में मूव हो रही थी। उन्होंने कंट्री, अगर कंट्री बोल देते तो शायद लोग गेस करते करते बैंगलोर कहीं पर आ जाते, और कंट्री भी नहीं बोल रहे थे। नॉट एग्जैक्टली, सी अभी जहाँ पे वो बात कर रहे थे, तो जहाँ पे अभी वो मैडम बात कर रहे थे, वहाँ पे जो जिस रोड पे वो चल रहे थे, यहाँ पे भी तो एक रोड है, यहाँ पे कौन सा रोड है भाई अपना, बिंजी रोड में ब्रिगेड रोड, नहीं नहीं एमजी रोड के अंदर एक और है ना चर्च स्ट्रीट, चर्च स्ट्रीट, वहाँ भी तो वैसा ही रोड है, यहाँ पे वैसे ही लोग हैं, वैसे ही खोल रहते हैं, वैसा ही एक अच्छे सा रोड बना गया है जहाँ पे मोटरसाइकिल चल नहीं सकती। तो बेसिकली अगर आप ग्राउंड लेवल में देखेंगे तो
मतलब ये आपको ऊपर से अच्छा लगेगा, लेकिन अब की अगर आप ट्रैफिक में अगर आप फंसोगे ना यहाँ पे, बैंगलोर की ट्रैफिक इंडिया वर्ल्ड फेमस है एक्चुअली, इंडिया फेमस नहीं है बैंगलोर की ट्रैफिक। बैंगलोर में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, ट्रैफिक इज मतलब कि आप कभी कहीं खासकर एक पीक आवर्स जो होते हैं मॉर्निंग 8 से 11 और फिर इवनिंग 4 to 6 कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, खासकर जहाँ पर ये कंपनीज वगैरह हैं वहाँ पर। हम फंसे थे लास्ट में कुछ दिन पहले, RRR पिक्चर देखकर आए रहे थे, बहुत शौक से गए, जगह डॉल्बी एटमॉस में देखते हैं पिक्चर, स्किप करते हैं इस टाइम पे ट्रैवल करना और खासकर ऐसे एरियाज में। एंड या कमिंग टू बैंगलोर, बैंगलोर डेफिनेटली इज वन ऑफ द अमेजिंग सिटी इंडिया हैज, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। यहाँ का वेदर बहुत, आई थिंक मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में कहीं पर भी यहाँ का वेदर नहीं है, और यही लोग कहते भी हैं। एग्जैक्टली, इट वॉज कॉल्ड द पेंशनर्स पैराडाइज बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कभी भी अब दिखता नहीं है, जैसे कि ज़्यादा बारिश हो जाना या ज़्यादा ठंड हो जाना या ज़्यादा गर्मी हो जाना, एक एक हद तक होती है। यहाँ पे अगर 30 पहुँच जाए तो हम बोलते अरे बाप रे बाप 30 हो गई, मतलब अगर इसमें भी क्या मतलब राजस्थान नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे 45 हो जाए तो भी वहाँ पे बैठ के वो चाय पीते रहेंगे बैठ के यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे वेदर इज़ वेरी वेरी गुड क्योंकि यहाँ पे एक एलिवेटेड लैंड पर है ये बैंगलोर सी लेवल से, और यहाँ पे रिसेंटली एक महीने से यहाँ पर गर्मी बहुत थी और रमजान के महीने में, और सडनली यहाँ पर बारिश शुरू हो गए अप्रैल में। आई डोंट थिंक अप्रैल में बारिश कहीं पर भी इंडिया में दूसरी जगह होते होंगे इस गर्मी के माहौल में। नहीं, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ हीट और डिप्रेशन क्रिएट होकर होता ही है, यहाँ पर ट्रीज बहुत हैं टू गार्डन सिटी, इट्स आल्सो कॉल्ड एज गार्डन सिटी, सिलिकॉन सिटी तो बोलते हैं लेकिन गार्डन सिटी बोलते थे, लेकिन अब नहीं है उतने सारे ट्रीज, हमारे बचपन में हुआ करते थे बहुत सारे हुआ करते थे, अब नहीं है उतने नहीं है। एंड ये जो दिखाए गए हैं मोस्टली सेंट्रल बैंगलोर और वाइट फील्ड और अलसूर के जो हाई पॉश एरियाज हैं वहीं पर दिखाए गए, या फिर आपके जो कंपनीज वगैरह हैं यहाँ पे जो आईटी हब्स हैं यहाँ पे मान्यता हो जाए, या फिर वाइट फील्ड हो जाए, आप कुंदनहल्ली ये सब हो जाए, तो वहाँ के वीडियोज़ दिखाए गए हैं। जहाँ तक इनके समझने की बात है, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर एनी बडी टू अंडरस्टैंड, इनफैक्ट अगर आप बोल दो एक इंडियन को बोल दो वो भी शायद 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वो सोचे एक बार के लिए कि ये भाई कौन सा शहर है ये बोल के, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ही खूबसूरत हैं मैं बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से शूट किया गया है उसको, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट पूरा एक वीडियो है यहाँ इसमें कट किए गए हैं, हाँ यहाँ से वहाँ से वीडियोस में उठा के इन्होंने एक वीडियो बनाया है, एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमें जरूर मिलेंगे इसमें इंटरनेट में। बट डेफिनेटली बैंगलोर इज मच मोर देन दिस, बैंगलोर ये बिल्डिंगों के अलावा ये यू नो ये ताम झाम के अलावा बहुत कुछ है। नहीं वो तो हर सिटी में भी, अगर दिल्ली में देखें तो if you go to the main Delhi and then you go to old Delhi, there's a lot of contrast. अगर मुंबई में भी हो जाए, you have been there, and अगर जितने भी शहर जाए अपना अपना इसका रंग होता है, लेकिन ओवरऑल हम बोल सकें तो यस ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं कि वी लिव इन अ पैराडाइज एक्चुअली, ये एक एक्चुअली में बहुत ही पीसफुल प्लेस है, पीसफुल होता है। हाँ ट्रैफिक का थोड़ा थोड़े कंप्लेंट्स थे, लेकिन वो भी हमने 2 साल विदाउट ट्रैफिक में जी लिए हम, विदाउट लॉकडाउन। एंड आई थिंक अभी गवर्नमेंट वो भी कर रही है, देयर आर लॉट ऑफ ब्रिजेस और मेट्रोज का वगैरह बहुत काम हो रहा है, आई थिंक पूरे इंडिया में बैंगलोर मुंबई दिल्ली यहीं पर मेट्रोज, हर सिटी में मेट्रो नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं अपन कंट्रोल करने के लिए। एंड समटाइम वी फील लकी कि हम लोग बैंगलोर से हैं, बिकॉज आई थिंक बैंगलोर जैसी सिटी, मैं कभी कभी बैंगलोर से निकल के मैं रिसेंटली हैदराबाद गया था या मुंबई गया था, मन नहीं लगता कहीं पर भी, जो बैंगलोर वाली वाइब आती है वो कहीं पर भी नहीं आती। एंड मेनी पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो सेज के बैंगलोर इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी, एंड साउथ इंडिया के हिसाब से देखने गए तो बैंगलोर, साउथ इंडिया छोड़ो पूरे इंडिया के हिसाब से बैंगलोर इज वन ऑफ सेकेंड पोजिशन इंडिया की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। बैंगलोर हैज 8 million पीपल्स, बैंगलोर यू नो 3 million पीपल्स आर फ्रॉम द आउटसाइडर्स ऑफ द मतलब कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, वी हैव 11 million लोगों की यहाँ पर संख्या है। एंड देर इज अनदर ब्यूटिफुल थिंग यहाँ पर बैंगलोर में यू नो लोगों के दिल में जो बाकी देशों में या बाकी जगहों पर जो कम्यूनल थिंग होती है ना मजहब के बारे में, वो यहाँ पर नहीं है। लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के बारे में, बिकॉज मेरे बचपन में जितने भी दोस्त रहे हैं वो सब नॉन मुस्लिम्स ही रहे हैं, हम एक प्लेट में खाते हैं, हाँ एक दूसरे का झूठा पीते हैं, और यहाँ पर दूसरे घर में खाते हैं, एक दूसरे के घर के किचन में जाके झांकते हैं, उसके किचन में क्या है हमारे किचन में क्या है, हमारे ऐसा भी है कि उनकी माँ हमें खिलाती है हमारी माँ उन्हें खिलाती है, वी नेवर कभी दिमाग में आता भी नहीं है वो सब चीज़ें, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये खासकर बैंगलोर में कम्युनल थिंग। और यहाँ पर आप किसी भी पढ़े लिखे लोगों को या फिर किसी भी जगह पर जाके आप बोलो तो यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम की चीज़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। हाँ
गवर्नमेंट, ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स स्पॉन्सर्ड तो होते हैं, स्पॉन्सर्ड जो होते हैं, लेकिन अब मुझे कभी उसने इफेक्ट किया? हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा दोस्ती में कोई, कभी कभी वो दे एंड अप सेइंग बिकॉज इंटरनेट है, इंटरनेट में ओपिनियन फॉर्म, व्हाट्सएप वगैरह में ओपिनियन फॉर्म्स होते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो वो ओपिनियन फॉर्म्स होते हैं उनके, फेसबुक से वगैरह, वो कभी कभी, वो कभी कभी थोड़ा बहुत निकलता है उनके मुँह से, बट अगेन मैं संभाल लेता हूँ वहाँ पे कि देखो उनको समझाता हूँ मैं, एज ए ह्यूमन बींग वी एक्सप्लेन हिम, एंड इफ वी एंड अप सेइंग समथिंग बैड दे एक्सप्लेन अस, एंड मी बींग हैव, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, रामायण महाभारत ये सब मैंने देखा है यहाँ पे, एंड ये इसके रेफरेंसेस से मैं बोल सकता हूँ कि वो लोग भी अमेजिंग पीपल होते हैं, उनकी भी अच्छे से अच्छी साइकोलॉजी है, अच्छे से फिलॉसफी है उन लोगों की भी. इट्स ऑल अबाउट गुडनेस, इट्स ऑल अबाउट बेटर थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ. बट थोड़े बहुत उनको ट्विस्ट एंड टर्न करके, वो यहाँ पे भी ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, वहाँ पे भी ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, वो करके उसको लोगों को भड़काते हैं उतना ही. बट अगेन कमिंग बैक टू बैंगलोर की बात है, यहाँ पे पॉप कल्चर अगर बोला जाए तो गोवा हुआ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, थिएटर्स बहुत बेस्ट हैं, इनफैक्ट यहाँ पे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्क्रीन ऑनिक्स जहाँ पे हम ज़्यादा देखते हैं वो है स्क्रीन, उस स्क्रीन से बेटर इंडिया के अंदर कोई स्क्रीन नहीं है, कोई भी मूवी देखने के लिए एलईडी स्क्रीन है वो, एंड वो दैट स्क्रीन इज़ लाइक समझ लो आप, ये जो होता है ना अच्छे से, जो आजकल अच्छा, बहुत अच्छा क्या एप्पल का फ़ोन आया है, 13 या 14 या जो भी आया है वो, उसकी जो बेस्ट स्क्रीन क्वालिटी में अगर आप देखते हो 4K में, तो कैसे लगेगा, उससे दो गुना बेहतर वहाँ पे लगेगा आपको, बिकॉज स्क्रीन्स बेसिकली होते नहीं थिएटर के, एंड वी हैव एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडिया के टॉप एयरपोर्ट्स में से आता है, पहले तो यहाँ पे छोटा मोटा हुआ करता था, अभी बड़ा वाला एयरपोर्ट बड़ा हो गया, एंड दे अमेजिंग थिंग, एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग टीपू सुल्तान को जानते हो तो वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, एंड अगेन KGF यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर दूर है, जो कि अभी फिलहाल आई थिंक मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान वॉच दैट फिल्म रिसेंटली KGF, तो यहीं पर है नजदीक में, वो ये वहीं से बिलोंग भी करते हैं, मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई है, कोलार में पढ़ाई भी है, अब रात रहता है, लेकिन KGF में पढ़ाई हुई है मेरी, तो वैसा कुछ सिटी है नहीं वो, अब सोचो मत उसको इतना बड़ा जाके, अरे ये तो यहाँ होगा, पता चला कि टूरिस्ट प्लेस, व्हेन यू विल बी ट्रैवलिंग इन KGF आपको आपको वैसा कुछ वाइब मिलेगी नहीं, बिकॉज मैं जब भी कोलार को जाता हूँ आपको यार डेफिनेटली बहुत सारे पहाड़ वगैरह आपको ग्रीनरी जरूर मिलेगी, और लेकिन वो जो ये माइन वगैरह की चीज़ें हैं वो आप वो सब फिक्शनल, कम्प्लीटली फिक्शनल है वो, आई थिंक वहाँ पर था ये चीज़, ऐसा नहीं कि गोल्ड माइन नहीं था, माइन था वहाँ पर, दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग जो कि यहाँ पर दिखाया गया उस तरीके से, तो पूरा लूट लिया गया उसको, टाइम ऑफ ब्रिटिश. इस वीडियो की अगर बात करें तो जो मैडम जो पूछ रही थी बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी इंटरेक्टिव मैनर में, इतना इंटरेक्टिव कि वो लोग सामने वाला बात करे ज़्यादातर, ज़्यादा बोले वो और गेस करे उसको, उसके उसके माइंड को उन्होंने काम पे लगा दिया था, और द वे शी एंड द पीपल आल्सो रिस्पॉन्डेड रियली रियली वेल, एंड आई थिंक दोस टू गर्ल्स वर अमेजिंग, उन्होंने एक्चुअली गेस किया था, लड़कों ने किसी ने गेस नहीं किया, ड्यूटी विद ब्रेन था ये लड़की, उन दोनों ने गेस किया था, और मुझे सिद्धार्थ वाले जो मैडम ने बोल दिया, मैडम प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, और कभी कभी नायब भी बोल दीजिएगा, या फिर शावेज भी बोल दीजिएगा, या फिर आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आप मनमोहन सिंह किसका भी, मतलब सिद्धार्थ बोल दिया, मतलब सिद्धार्थ कौन भाई, शांडल्या तो मेरा बॉलीवुड में ही काफी है यार, तो आई थिंक बॉलीवुड हैज मेनी सिद्धार्थ, मतलब सिद्धार्थ यादव बोल के कॉमेडियन है, आप वो मत बोल दीजिएगा, मतलब सिद्धार्थ बॉलीवुड और टीवी मतलब कि जो नॉर्थ के बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत सारे सिद्धार्थ हैं. या दिस वाज अमेजिंग थिंग, आई थिंक अच्छा लगा पाकिस्तानियों को nice, के बारे में जानते हुए, इट वाज अ गुड वीडियो एंड थैंक यू फॉर द सजेशन, अच्छा लगा. एंड ऑल्सो आप लोग कहते हो कि पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया, हम लोग वो भी जरूर करेंगे आने वाली वीडियोज में, बट मैंने सोचा कि ये वीडियो पहले करना जरूरी है बिकॉज वी आर फ्रॉम बैंगलोर एंड आई फील कि थोड़ा हमें भी थोड़ा कनेक्ट कर पाएगा. सो दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑन पाकिस्तानीज रिएक्शन ऑन बैंगलोर, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स बताएगी नेक्स्ट हम किस पर रिएक्ट करें, एंड ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स हमने दिए, और आप लोग बैंगलोर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, इनको मैं बिठा दूंगा यहाँ पर, ये एक डिबेट देंगे, एक वीडियो बनाएंगे घंटे दो घंटे का, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, कोई भी आना चाहता है तो बैंगलोर में. श्योर, दिस इज मोहन शाविज एंड थैंक यू सना अमजद फॉर दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ.